से गुड मॉर्निंग के साथ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी जिंदगी को। मेरी कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कल पीसी लाया था और रात को मैंने उसका सेटअप किया। क्या तो कमाल का मैंने सेटअप कर दिया यार, यकीन मानो सही बात है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। पीसी को मैंने सेट भी कर लिया, वो मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सही है। मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में आपको बहुत ज्यादा देखने को कुछ मिलेगा, सही है ना। स्पेशल मेरे पीछे ही आप लोग देखो सारा सेटअप पड़ा हुआ है, इसकी सिनेमैटिक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे यार प्यारा सा कमेंट कर देना, सही है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सेटअप, उसके बाद आज का सीन मैं आपको बताता हूँ। अभी तो होने वाले जोहर का टाइम, तो वजू करके नमाज पढ़ने जाएंगे, तो पहले तो आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो। सिनेमैटिक्स आपने देखे, आई होप कि आप सबको पसंद भी आए होंगे। और ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो ना, ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर ही एडिट होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर कैपकट भी डाउनलोड कर लिया है। ये कैपकट रहा और पिक्सआर्ट भी मैंने इसके अंदर ही डाउनलोड कर लिया, शेयर रेट वगैरह, और जो है ना ये फोटोशॉप। अब जो मैं एडिट किया करूंगा ना, वो इंशाल्लाह पीसी के ऊपर ही होगी। मैं कहता हूँ लेवल हो गया, सही बात है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। बाकी इसके अंदर इंशाल्लाह मैं और भी एडिटर वगैरह करवा लूंगा। मैं एक और सोच रहा हूँ कि GTA 5 इसके अंदर खेला करेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ दिन तक सोचूंगा, टाइम निकाल के इंशाल्लाह इसके अंदर GTA 5 करेंगे और वो भी खेला करेंगे, सही है ना। ठीक है, मैंने वैसे कभी खेली तो नहीं है GTA 5, लेकिन जो है ना इसके अंदर इंस्टॉल करके चेक करेंगे कैसी खेलनी होती है, सही है, इसका एक्सपीरियंस वगैरह चेक करेंगे। और अगर आपने बोला तो जो है ना गेमिंग भी इसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। बाकी यार जितने भी खोती होते आखल होती, सही बात है। इसका मुझे कोई नहीं पता चल रहा कि इसका क्या करूं, जो है ना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, सही बात है। ऐसे तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह इसका भी कुछ सोचते हैं। मैं बस नमाज पढ़ूं, मेरा दिल इधर घड़ी लगा देता हूँ या कोई और चीज इधर रख देता हूँ ताकि ये यार जो होल है ना ये छुप जाए। वैसे तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है यार, लाइट्स वगैरह ऑफ करूँ ना तो मैं कहता हूँ बड़ा लेवल हो जाता है हमारा, सही बात है। बात तो सही है। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सही है ना। बस टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। मैं तो यार शुक्र है अल्लाह पाक का, सही बात है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा तो ड्रीम था, क्योंकि एडिटिंग आपको पता है मैं शुरू से करता हूँ, और जो है ना पीसी भी मुझे चाहिए था, तो पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, दूसरा अब्बू का यार थैंक यू है, सही बात है। मैं कहता हूँ Few moments later. मैं गोश्त लेने जा रहा था लेकिन ये रास्ते में बाइक खराब हो गया, पता नहीं ये स्टार्ट नहीं हो रहा यार। इब्राहिम लेके जाता है ना, सही बात है, जब भी लेके गया उसके बाद ना मुझे जलालत ही हुई है, मैं हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट तो हो ही जाता है लेकिन बहुत ज्यादा मिसिंग कर रहा है, ये देखो अभी दोबारा बंद हो जाएगा। बस बेकार है भैया, अरे बाइक का तो कुछ लंबा ही काम शुरू हो गया, इसका कार्बोरेटर खुला है यार, इतनी ज्यादा मिसिंग करता था, सही बात है। इसके अंदर देखो गंद कितना निकला है, अब इसकी सफाई होगी फिर ये दोबारा लगेगा। और दूसरा हमारा उधर गोश्त भी रेडी हो रहा है, तो जब ये होगा तो फिर और पहना हो तुम आओ हेलो करो अपना काम। ये कार्बोरेटर के अंदर गंद चेक करो कितना ज्यादा, ये सारा कुछ ना टैंकी की वजह से आया। टैंकी मैंने क्योंकि पहली जो इसकी ओरिजिनल टैंकी थी ना वो लीक हो गई थी, और जो है ना ये सेकेंड हैंड टैंकी है तो नहीं, लेकिन जो है ना जेन्युइन नहीं है ना, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से ये मिसिंग कर रहा था। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ ना, एक मिनट मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। बड़ा ज्यादा कचरा यार अंदर। अच्छा मेरी बात सुनो, आज है 8 रमजानुल मुबारक, और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इंशाल्लाह फजले खुदा होगा 9 रमजानुल मुबारक। को जिसको नहीं पता उसको मैं बताता चलूं कि मेरी अम्मी को हो चुके हैं 1 साल, 8 रमजान को मेरी अम्मी की पिछले साल डेथ हुई थी 8 रमजान को, तो आज 8 रमजान है, 1 साल पूरा हो चुका है यार अम्मी मेरे को, सही बात है। यकीन मान लो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल जो होती है ना लाइफ, वो पेरेंट्स के बगैर होती है, तो यार 1 साल में मेरे को हो गया, देख लो 1 साल हो गया मैंने अम्मी को देखा भी नहीं है, तो यार इसलिए ना मैं अब जा रहा हूँ कब्रिस्तान, तो घर में फूल लगे हुए हैं ना, तो उनका एक प्यारा सा गुलदस्ता बनाते हैं, मतलब फूलों का जो बना होता है ना गुलदस्ता सा टाइप, वो बनाते हैं और अम्मी को देख के आते हैं, सही है ना, चलते हैं। पहले मैं बनाता हूँ फूलों का, वो यार मुझसे बोलने नहीं हो रहा, तो फूलों का बनाते हैं ना, तो फिर चलते हैं कब्रिस्तान। ये देखो घर में काफ़ी प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, तो इनको उतारते हैं पीछे से और इनका ना गुलदस्ता बनाते हैं प्यारा सा, सही है ना। मैं पहले इनको उतार दूँ, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। पिछली 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा मैंने फूल उतार के तो अम्मी की कब्र पर डाल आया था, लेकिन अभी दोबारा लगे हुए हैं थोड़े हैं, लेकिन मैं गया था पता करने लेकिन फूल मिले कोई नहीं मुझे। ये देखो मैंने बड़े प्यारे प्यारे फूल उतारे हैं, अब धागे की मदद से इनको आपस में इकट्ठा करते हैं और जो है ना गुलदस्ता बन जाएगा ऐसे। कैमरे का पता नहीं लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अब चलते हैं कब्रिस्तान।
आज देख लो 8 रमजान मुबारक और ये 14 44 हिजरी और जो है 30 थी तीसरा महीना 2023। तो आज साल हो चुके हैं अम्मी को यार। ऐसे बात तो है कब्रिस्तान में यार सुकून होता है। सही बात है, देखो ना चारों तरफ खामोशी, ऐसे जो है ना सुकून ही सुकून है ना। बात तो सही है। The next day, अरे अल्लाह जी रमजान की वजह से यकीन मानो ऐसी तरतीब खराब हुई पड़ी है ना, पता चलता है कब खाना है पीना है सोना है उठना है बैठना है। अभी मैं दोपहर की नमाज पढ़ गया हूँ, सुबह से मैं रोजा रख के लेटा ही हुआ था। टाइम भी आप लोग देख लो 2 हो गए और मेरा बिस्तर इधर का इधर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बस उठा हूँ और नमाज पढ़ी और दोबारा इधर ही आ गया हूँ। शहजादे को ऑन करते हैं, इसका देखते हैं हिसाब किताब लगाते हैं। यार ये इसका मैं क्या करूँ, मुझे सेवा आए हाय 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 है ना, फिर मैंने पूरा माहौल बनाया हुआ इधर मजेदार। अभी तो इसको और ज्यादा अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ, सही है ना। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग लाऊंगा, बस जो है ना थोड़ी बहुत कैश भी तो रहनी चाहिए ना है, तो थोड़ी बहुत जब कैश ले ना पैसे मिले मैं थोड़े बहुत। भाई अब्बू आ गए, मैं ना अभी इधर से निकल रहा हूँ क्योंकि अब्बू ने मुझे इधर देख लेना, तू सारे दिन अंदर ही बढ़िया रहना है, तेनों कोई ना कोई तो है मसला, मैं जा रहा हूँ अब। हीरो जब दुबई से आई थी ना तब उसने ना मेरे लिए ये ऐनक लाई थी, अभी ऐनक तकरीबन उसे हो गया 1.5 साल आए हुए, तब से लेके आज तक तकरीबन मैंने 2 से 3 दफा ये पहनी। बाकी ये चेक करो कितनी अच्छी ऐनक है यार, मुझे तो अभी पता चला कि ये प्यारी भी है, क्योंकि मैंने पहनी कोई नहीं है, ये तो वैसे ही पड़ी हुई थी। खैर अभी मैंने ऐनक इसलिए पहनी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ पहले तो दूसरे गांव में गोश्त लाने। हमारे गांव से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का गोश्त मिलता कोई नहीं है, तो दूसरे गांव से पहले गोश्त लाने फिर जाना मैंने सिटी, उधर से लाने दही पल्ले और लाने दही वगैरह लाने क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। फिर हमारी का ना वो रोजा कबूल नहीं होता इन चीजों का यार, तो इसलिए ना जाना है सिटी, पहले मैं जाता हूँ गोश्त लेने उसके बाद चलते हैं सिटी। गर्मियां आ रही है ना उसकी वजह से इतना खतरनाक मच्छर, सही बात है आंखों में पड़ते हैं ना, छड्डे ऐसे पड़ते हैं ठक ठक करके जोर जोर से पड़ते हैं। इधर भी देखो कितना ज्यादा मच्छर पड़ा है, नजर आ रहा है अगर कैमरे पे, वो चोर आ गए जी। क्या कर रहे हो बैंक के एटीएम के अंदर, कुछ नहीं पे करदा से पीछे चाबी लाए लगी अभी पैसे, तो और कोई काम गया ऐसे हूं बाबे री बाप बाबे निकले, मैं हूं देखिया बाबा जाने आ असर साहब हमारे साथ आए हैं। मेरा यार बाइक चलाने को दिल ही नहीं था कर रहा, फिर असर साहब आए हैं, असर साहब बाइक चला रहे हैं। चौधरी असदुल्लाह गुजर बुलाए खीमा साहब, ये लाला मुसा का चांदनी चौक, जिसको नहीं पता उसको दिखा रहा हूँ, जिसको पता है वो इग्नोर करा। तू मिल जाएंगे जो घर में दही भल्ले बनाने थे उनके लिए मैंने बूंदियाँ ली हैं और चने लिए हैं, बाकी जो है ना दही भल्ले जाती दफा मैं ले लूंगा, ये कल के लिए सामान है। यह लाला मुसा की सब्ज़ मंडी, तो उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर हम ना बाहर वाली साइड पे इधर आए हैं, इधर से सामान ले रहे हैं। मैंने लेना था प्याज लेने थे, टमाटर लेने थे और जो है लीमू लेने थे, पुदीना लिया है, अभी वो रेडी कर रहे हैं हमारा सामान। अभी हम दोबारा एटीएम में जा रहे हैं क्योंकि जो मैंने चीज़ें लेने के लिए पैसे लाए थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो दोबारा एटीएम में जा रहे हैं। ये देखो एटीएम वालों के काम ऐसे चुप हुआ, देखो नोट होते हैं लोग मंगतू को देते हैं, सही बात है ऐसे नोट इन्होंने मुझे दिए, बंदा देंदा कोई अपने बैंक की प्रमोशन करवाने वास्ते नवे नवे नोट कटते हैं, इन्होंने मुझसे नोट काट देते हैं, बेकार है भैया। अब्बू को समोसे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए अब्बू के लिए समोसे ले रहा हूँ, और अपने लिए जाती दफा फ्रूट चाट यार उनकी बोली था, दही पहले जाती दफा ले रहा हूँ, सब्जियाँ वगैरह भी ले रही हैं कल के लिए, और जो है ना ये समोसे वगैरह अब्बू के लिए, और जो दही भी ले रही है आप जाती दफा है सदर बुनियाद चने, बुनियाद चने अब जाती दफा हम ले लेंगे यार उनकी बोली था दही पले, वो सामने ही दुकान है, इधर से पकड़ते हैं और चलते हैं घर। इधर हमारे दही पले रेडी हो रहे हैं, मुझे तो देख के भूख लगी है क्योंकि रोजा रखा हुआ खा नहीं सकता, नहीं तो मैं इधर ही बैठ जाता खाने के लिए। चेक करो आपके मुँह में पानी आ रहा है ना, खाना मेरे मुँह में भी पानी आ रहा है यकीन मानो मेरा, क्योंकि भूख भी लगी हुई है और जो है ना आप ये पल्ले भी लहदा से मैं करवा रहा हूँ, और जाना ये पापड़ भी क्योंकि कल ये काम आ जाएंगे, वैसे तो हमारे दही पल्ले ये पड़े हुए हैं ये रेडी हैं, अब जो वो लहदा से करवा रहा हूँ। सही गल है यकीन करो मैं तीसरी दफा एटीएम में चाहिए, सही गल है 1000 रुपया कटाया थी, 1000 रुपया ऐसी लगा जिक्र थुक सट दी थी, अभी दोबारा मैं 500 निकलवाऊंगा क्योंकि नहीं मैं बिल गेट्स का बच्चा है कोई है तो हमें पता भी, ये लो 500 बहुत है इतना ही ठीक है चलिए भाई जाने। अब यार हमने सारा सामान ले लिया है, अब सीधा हम लोग जा रहे हैं घर, घर ही जा रहे हैं ना, तो खाने पीने रोजा बस। वाल मार्ट पे हम रुके थे असद के लिए स्ट्रिंग की बोतल लेनी थी, मैं तो पीता कोई नहीं आपको पता है, लेकिन इसने फिर भी मेरे लिए ले लिया, ले लिए ना कि ये पैसे भी थे मेरे ने,
पता नहीं क्यों बंदे शौक से पीते हैं, मुझे तो वैसे कोई नहीं बोतल पसंद, कोई भी बोतल चल हूँ ले रही हूँ चुप कर आपस ये गलत नहीं तस्वीरें। वैसे तो मुझे कोई भी बोतल नहीं पसंद, आपको पता है मैं पीता ही कोई नहीं, लेकिन जो है ऐसा मैंने फिर ले लिया फिर पीनी पड़ेगी। अल्लाह जी यकीन मानो शहर जाके ना जलील हो जाता है, घर में वैसे बोर ही हो रहा था लेकिन जो है ना शहर जब बंदा आ जाता है ना सिटी इतना जलील होता है बंदा। क्या भाई क्या भाई मेरा बेटा क्या भाई रोजे का टाइम होने वाला है तकरीबन 15-20 मिनट रह गए, अभी जाके मैंने जैकी को लेके जाने है, वो दूध लेने भी आया हूँ, असर की नमाज भी अभी पढ़नी है, उसके बाद मैं आज कब्रिस्तान भी नहीं गया, देख लो नुकसान हो गया ना, सिटी गया हूँ और ये सारे काम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। हाँ ये आपका इंतजार था सामने, वो आज पेपर था ना तुम्हारा, कैसा है जो पेपर है ना, तैयारी आई करनी, पेपर ठीक हो गया है, वाह जी वाह सुभान अल्लाह, वाली तैयारी से मैंने पता तेरी कैसी तैयारी सी, अल्लाह कामयाब करे, वैसे तैयारी तेरी कौन सी बच्चा मैंने पता तेरा। इब्राहिम साहब ऐनक चेक करो कितनी प्यारी ऐनक है, चेक करो पहन के चेक करो, पता है कितना आई है, किन्ने दिए तन्नू वेच दिए ना, तेरा पूरा शीशा नहीं आवाना सही तरह का। खुदकुशी करने का मुकाम हो गया यार मेरी जिंदगी की सी, तो मैं की आ गया, मैं बड़ा अपने परेशान परेशान जिंदगी कर लाते नहीं ला वजह तेरे नाल महंगी है ना कि सही गल है, दुबई तो आई सी स्पेशल पता ही है ना, कल गंदी अपनी नजर गुसल करना है 3 बारी पहले, 8 बारी पहले कलमा पढ़ना है, उस तो बाद 3 बारी दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर जाके एक बार गुसल करना है, ऐनक तू पढ़ना सही है, उस तो बाद इतों ऐनक ना छकी हुई मेरी, दूसरी भी ऐनक मेरी तू लाई है, बाकी जो मैंने स्ट्रिंग की बोतल आती दफा लाई है थोड़ी 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 करके पी रहा हूँ, उस टाइम से इतनी सी खत्म हुई है, और जो है ना पीसी पे एडिट कर रहा हूँ वीडियो को आप लोग देख सकते हो, अभी तो मुझे पीसी पे एडिट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस चीज पार्ट का पता लग रहा है ना मैं कहता हूँ मोबाइल से कई गुना आसान इस पे एडिट होती है, सही बात है, तो इस पे एडिट कर रहा हूँ मैं, तो बाकी जो है ना अभी अबू बुला रहे हैं, मैं ईशा की नमाज पढ़ के आया था तो उस टाइम से एडिट कर रहा हूँ, तो उस टाइम से लेके अभी हुई है 1 मिनट और 45 सेकंड उस टाइम से एडिट हुई है, तकरीबन भी 8 से लेके 9:30 बजे तक तकरीबन 1.5 घंटे में 1 मिनट और 45 सेकंड की हुई है, देख लो, और आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे आ गई ना मैं कहता हूँ बम्ब मोल हो जाएगा अपना, सुभान अल्लाह। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार दूसरे रूम में, अबू बुला रहे हैं मुझे, इसको मैं सुबह एडिट कर दूंगा इंशाल्लाह, तो ना आज के ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ फिर यही पे एंड, मैं कहता हूँ लेवल हो गया सही बात है, मजा आ गया पूरा सही बात है, माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाका, तो करता हूँ आज के ब्लॉग को यही पे एंड, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी से कर देना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय के साथ, टेक केयर, मजा नहीं आया।